बंगाल मामले में ममता के इस्तीफे वाले ड्रामे पर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का जोरदार हमला। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, अच्छा है इस्तीफा दे ममता, बंगाल को तानाशाही से मुक्ति मिलेगी। बंगाल में प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स पर कौन कर रहा हमले की साजिश। पश्चिम बंगाल से दो बड़ी खबरें सामने आ रही है। एक खबर यह है कि यहां ममता के सियासी ड्रामे पर, जो उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, परसों जो हुआ डॉक्टर्स नहीं आए मिलने, इंतजार करती रही सीएम साहिबा, लेकिन डॉक्टर्स का काफिला नहीं पहुंचा। अब डॉक्टर्स नहीं पहुंचे तो दुख हुआ, दुख इस बात का हुआ कि देखिए भाई मैं मुख्यमंत्री हूं, मेरे बावजूद भी बोलने के आ नहीं रहे डॉक्टर। लेकिन ममता ने यह नहीं बताया कि डॉक्टर्स उनकी शर्तों को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। और इसी बीच आपको बता दें, कैलाश विजयवर्गीय यहां पर शहरी विकास मंत्री मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार के नेतृत्व में, उन्होंने ममता पर जोरदार सियासी हमला बोल दिया है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, अच्छा है इस्तीफा दे दीजिए, पश्चिम बंगाल को तानाशाही से मुक्ति मिल जाएगी। इसके साथ आपको बता दें, मानवाधिकार का जो उल्लंघन लगातार हो रहा है उससे भी मुक्ति मिल जाएगी। और ये बड़ा हमला कैलाश विजयवर्गीय का है। बता दें आपको, कैलाश विजयवर्गीय ने ममता के इस्तीफे के पेशकश पे यहां पर साफ कह दिया है कि आप इस्तीफा दीजिए, हम आपके साथ हैं। और ये एक जोरदार तंज है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल के लोगों को राहत मिल जाएगी। और बता दें आपको, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर हमला हुआ था और उस पर भी कैलाश विजयवर्गीय ने ममता सरकार पर जोरदार अटैक किया था। इसके साथ आपको बता दें, वहां उन्होंने कहा कि उनके इस्तीफे से पश्चिम बंगाल में मानवाधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी, जो राज्य और देश के लिए हितकारी साबित होगा। अब दूसरी बड़ी खबर पर आते हैं। दर्शकों, पश्चिम बंगाल में डॉक्टर्स नहीं हट रहे हैं, डॉक्टर्स डटे हुए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा समिति ने भी ममता बनर्जी के मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। 85,000 रुपए जो अनुदान दिया जाता था, चंदा जो सरकार के द्वारा दुर्गा पूजा समिति को जाता, उस पर भी उन्होंने कहा कि मुझे नहीं चाहिए अपने पैसे। सभी ने ममता के पैसे लौटा दिए हैं। एकजुटता पश्चिम बंगाल की बिटिया को न्याय दिलाने में दिख रहा है, जो कि जनता को खूब पसंद आ रहा है। अब आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें साफ और सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है, पुलिस ने बतौर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। पश्चिम बंगाल में अनीश सरकार ने डीसीपी हैं और विधाननगर जोन के ये डीसीपी हैं, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कह दिया है। साफ है इस पे कि डॉक्टर्स पर हमले की कुछ लोग साजिश कर रहे हैं। अब नहीं पता वो कौन है, किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। हालांकि कुणाल घोष, टीएमसी के प्रवक्ता, कह रहे हैं कि यहां पर वामपंथी दलों ने ये साजिश का प्लान बनाया। अब नहीं पता कि अब कुणाल घोष सच कह रहे हैं या कौन कर रहा है, लेकिन अभी साफ तौर पर पुलिस आयुक्त ने कह दिया, हमने दो लोगों को इस बाबत गिरफ्तार किया है। एक बार आपको सीधे सुनाते हैं कि अनीश सरकार डीसीपी क्या कह रहे हैं इस घटना के बारे में। हम लोगों के पास एक गोपनीय सूत्रों के माध्यम से एक इन्फॉर्मेशन आया था कि कुछ पेशागत जो बहिरागत दुष्कृति हैं, मतलब क्रिमिनल्स, वो लोग जो जूनियर डॉक्टर्स का अवस्थान स्वास्थ्य भवन के बाहर है, उन पर एक आक्रमण करने की परिकल्पना कर रहे हैं। हमें एक ऑडियो क्लिप भी मिला था जिसमें दो व्यक्तियों के बीच की बातचीत हो रही है, जिसमें इस तरह का एक जो षड्यंत्र है वो उभर के बाहर आता है। हमने ये जो क्लिप है, ये क्लिप इनफैक्ट कल से मीडिया के पास भी पहुंच गया है, ये वायरल भी हुआ है। हमने इस ऑडियो क्लिप की जो सत्यता है, इसकी जांच की है। हमारी टेक्निकल एनालिसिस विंग और इन्वेस्टिगेटिव विंग दोनों मिलकर इस पर काम किए हैं, और ये मैं कहना चाहूंगा कि एनालिसिस के बाद हम ये कह सकते हैं कि ये जो ऑडियो क्लिप है ये बिल्कुल सत्य है, इसकी सत्यता पर कोई संशय नहीं है। इस ऑडियो क्लिप के आधार पे हमने एक केस रजिस्टर किया है और उस केस के आधार पे हमने दो व्यक्तियों को अरेस्ट किया है, जिनमें से एक का नाम है संजीव दास, जो कि हालतू का रहने वाला है, और दूसरा बंदा है कलोतान दासगुप्त, जो कि DYFI के मुखपात्र का संपादक है और CPM के राज्य कमेटी के युवा नेता है। संजीव दास को हमने कल अरेस्ट किया था, कलोतान दासगुप्त जो है उनको हमने आज अरेस्ट किया है। संजीव दास का जो इंटरोगेशन हुआ है उसके आधार पे उसने एक्सेप्ट किया है कि जो आवाज है उसकी उसका है। हम लोग इनको फॉरवर्ड करने वाले हैं आज कोर्ट में,
14 दिन की पुलिस कस्टडी के लिए हमने मांग की है, अदालत के पास हमने मांग की है। जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस है उस पे जो हमें तथ्य मिला है वो भी हम हमारी इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से कोर्ट के सामने हम लोग पेश करने वाले हैं। हमने वहां पे सीसीटीवी कैमरास और बढ़ा दिए हैं और हमारे वहां पे पहले दिन से ही काफी संख्यक फोर्स एवं ऑफिसर तैनात हैं। हमने ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद, केस होने के बाद, हमने वहां पे जो सिक्योरिटी डिटेलमेंट हमारी है इसको और बढ़ा दिया गया है, इसको और हमने बढ़ा दिया है। इस ऑडियो क्लिप के आधार पे हमें और भी कुछ नाम मिले हैं, जैसे साहेब दादू और बाप्पा। ये साहेब दादू बाप्पा कौन है, इनका क्या अस्तित्व है, ये भी हम लोग अपने जो जांच है उसके आधार पर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले हमारे जो जूनियर डॉक्टर्स है वो नवान्नों गए थे एक मीटिंग के लिए। जो हमें अपने इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से मिला है वो ये है कि ये जो षड्यंत्र, ये जो घिनौना षड्यंत्र जो हो रहा था, ये उसी समय के आसपास ही ये हो रहा था। धन्यवाद। जो बीएनएस के धाराएं हैं वो हैं 252, 352, 353A, B2, 351, 2 and 61 BNS। थैंक यू। तो देखिए यहाँ पर कुणाल घोष ने हमला किया है, कहा है कि उग्र वामपंथी दल और वामपंथी दलों के द्वारा जूनियर डॉक्टर्स पर हमला किया जा रहा है ताकि ममता सरकार बदनाम हो। अब देखिए ममता सरकार वापस से क्या बदनाम होंगी, पहले से ही बदनाम है। डॉक्टर्स को इंसाफ नहीं मिल रहा है। डॉक्टर्स ने कहा ईमेल में यहाँ पर अपमानजनक भाषा का प्रयोग था, हम नहीं जाएंगे, हमें कभी बोला जा रहा है 15 लोग आइए, कभी बोला जा रहा है 30 लोग मत आइए, तो हम अपनी शर्तों को क्यों ना मनवाएं, हमारा पूरा बातचीत जो हो हमारी बातचीत वो लाइव प्रसारण करें ममता, और इसकी पूरी जिम्मेदारी ले। ममता ने उसे मना कर दिया, कहा ये कानून के अंदर प्रोसेस चल रहा है, हम नहीं कर सकते। और तभी जूनियर डॉक्टर्स ने जोरदार अटैक अपनी जुबानी जंग से ममता बनर्जी सरकार पर किया था। अब मैं आपको बता दूं, ये जो खबर आ रही है कि पश्चिम बंगाल में हमले की साजिश रची जा रही डॉक्टर्स पर, ये पक्का कहीं ना कहीं ये यहां पर कहा जा रहा है जनता के द्वारा कि यहां पर तृणमूल कांग्रेस जो है इस पर अपने पूरे बचाव करने की कोशिश करेगी। ये देखिए हमारे सरकार को बदनाम करने के लिए बीजेपी उग्र वाम दल या वामपंथी दल ऐसे अटैक करा रहे हैं ताकि जूनियर डॉक्टर्स पर जो हमला हो उसका सीधा साफ तौर पर ताल्लुक ममता सरकार से निकले, क्योंकि ममता सरकार की बातें ही जूनियर डॉक्टर्स नहीं मान रहे हैं और जूनियर डॉक्टर्स काम पर नहीं लौट रहे हैं। एक बार आपको बताते हैं कि ये पूरी क्या तैयारी की जा रही है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ड्रोन लगाए जा रहे हैं, कैमरे फिट किए जा रहे हैं, कौन कर रहा हमले की साजिश इसको पूरा तहकीकात करने के लिए। वहां के खुद डॉक्टर्स ने यहाँ मीडिया से बातचीत की और कह दिया है कि हमने पूरी निगरानी रखी है कि हम पर हमले की साजिश कौन रच रहा है, कॉल डिटेल्स मिल गई है, कॉल रिकॉर्डिंग सामने आ गई है, और ये नबन्ना से जो वापसी हम लोगों ने लौटे थे हम नहीं बात किया था हमने, उसके बाद ये हो रहा है। यानी देखिए पश्चिम बंगाल में एक तो अन्याय हुआ रेप हत्या के बाद, यहाँ पर कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में इन्हें कोई मतलब नहीं है कि डॉक्टर बेटिया को इंसाफ मिला या ना मिला, इन्हें केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है कि डॉक्टर्स जल्द ही वापस लौट जाए, और इसी कारण से बार बार पश्चिम बंगाल में यह हमले की साजिश रची जा रही है। एक बार सुनाते हैं आपको डॉक्टर्स ने किस तरीके से तैयारी कराई है और कैसे चप्पे चप्पे पर ड्रोन कैमरे लगाकर और वीडियो रिकॉर्डिंग लगाकर के इसकी पूरी निगरानी की जा रही है। एक्चुअली आज गवर्नमेंट के पास एक ऑडियो क्लिप आया जिसमें जूनियर डॉक्टर के ऊपर कुछ थ्रेड आ रहे, तो उसके सिलसिले में यहाँ पे ऑलरेडी कैमरा है एग्जिस्टिंग, और भी 14 कैमरा हम यहाँ पे लगा रहे, तो जो राज्य सरकार जो है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के प्रतिष्ठा में और नवोदिगम तो यहाँ पे जो अथॉरिटी है उनके जो तो प्रतिष्ठा में यहाँ पे वो कैमरा लगा रहा है, क्योंकि इसके सिलसिले में क्या है जो कोई भी थ्रेड आएगा तो यहाँ पे और भी अच्छा मॉनिटरिंग हो सकता है। ये टोटल फीड जाएगा थाना में पूरा इसका मॉनिटरिंग चलेगा, टोटल 14 कैमरा लगेगा, टाइम्स मतलब ये जो रोड है पूरा कवर होगा शास्त्र भवन से लेके टेक्नो इंडिया तक। हम यही कहना चाहेंगे कि स्टेट अगर ऐसे चाहेंगे कि हमको वो डरा सकते हैं कि हम यहाँ पर कौन आ रहा है जा रहा है इसके ऊपर वो नजरदारी करके हमको डरा सकता है, तो उनका ये जो उनका वो जो प्रोसेस है वो बिल्कुल फेलियर हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं पहले दिन से जब हम ये मूवमेंट पे है उस दिन से हमको बहुत सारे थ्रेड मिला है, हम पे मॉब अटैक हुआ है, उसके बाद भी हम यहाँ पे टिका हुआ है। हम देख रहे हैं कि यही स्टेट जो स्टेट अभी भी सीसीटीवी के
इनफ सीसीटीवी ना होने के लिए एक मेडिकल कॉलेज में एक जूनियर डॉक्टर के रेप और मर्डर हो गया, उसके बाद भी एक महीना बीत गया, उसके बाद भी उनको जो खूनी है उनको नहीं पकड़ा गया, और यहाँ पे एक मूवमेंट के पास वो सीसीटीवी लगा रहा है। इससे ही हम समझ सकते हैं कि हमारा जो स्टेट है उसका प्रायोरिटी किधर है, हम लोगों को सिक्योरिटी देना या फिर हम लोगों पे नजरदारी करना। तो यही कहना चाहूंगा कि ये चीज ये बिल्कुल प्रूफ कर देती है कि यहाँ पे जो हॉस्पिटल का जो सेफ्टी सिक्योरिटी है, डॉक्टरों का सेफ्टी सिक्योरिटी है, वो हमारे स्टेट का पहला प्रायोरिटी नहीं लग रहा है। अभी जब इतना बड़ा मूवमेंट हो रहा है सिर्फ डॉक्टरों के सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, अभी भी स्टेट चाह रहा है कि यहाँ पर जो मूवमेंट हो रहा है वहाँ पर कौन आ रहा है, जा रहा है, कौन मूवमेंट पे स्लोगान दे रहा है, कौन मूवमेंट पे डोनेट कर रहे हैं, इसके ऊपर वो नजरदारी करना चाह रहा है। इससे हम समझ सकते हैं कि वो इस मूवमेंट का जो डिमांड है उन डिमांड को पूरी करने के वजह उस मूवमेंट को ऑप्रेस करने में ज्यादा दिमाग लगा रहा है। अभी देखिए इस मूवमेंट के पहले दिन से हम लोगों ने हमेशा यही ट्राई किया है कि हमारा जो मूवमेंट वो अपोलिटिकल रहे। अभी भी हमारा मूवमेंट अपोलिटिकल है, इसीलिए हमारा कोई डिमांड पॉलिटिकल डिमांड नहीं है। हम लोगों का जो मांग है वो हमारा सेफ्टी सिक्योरिटी का मांग है, और जिन लोगों ने हमारे सेफ्टी सिक्योरिटी को ब्रीच किया है उन लोगों को अपने पोस्ट पे हटाने से डिमांड है और जस्टिस की डिमांड है। तो यहाँ पे अगर गवर्नमेंट ये सोच रहा है कि ये डिमांड मांगने से हम लोग पॉलिटिकल हो जाते हैं, तो हमारा जो गवर्नमेंट है वो ऐसा पॉलिटिक्स खेल रहा है जो पॉलिटिक्स आम आदमी का अच्छा नहीं चाहते हैं। इसीलिए उनको लग रहा है कि जिस मांग पूरी करने से आम आदमी का अच्छा होगा, उस डिमांड भी पॉलिटिकल है, उस मूवमेंट भी पॉलिटिकल है। तो देखिए ये थी पूरी कहानी ममता सरकार की। ममता बनर्जी चौतरफिया गिरी है। पश्चिम बंगाल में जो मामला हुआ है उस पर सरकार की नाक कट गई है, और यही वजह है कि बार बार पार्टियों के द्वारा हमले बोलने पर ममता और बौखला जा रही है, इस्तीफे की बात कर रही है, हालांकि कभी इस्तीफा नहीं देंगी। ममता का यह नया सियासी ड्रामा नहीं है, ये बड़ा पुराना है। ममता पुरानी खिलाड़ी है इस बात से कि ठीक है कुछ भी बात विरोध में हुआ तो चलिए इस्तीफे की बात कर दीजिए, इससे जनता में अच्छा मैसेज जाता है। लेकिन इससे जनता में अच्छा मैसेज नहीं गया, जनता लगातार ममता सरकार को लताड़ लगा रही है। अब आपकी जो भी राय हो आप जरूर कॉमेंट के जरिए हमें बताइएगा। शुक्रिया।